हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस दिनसे में। दोस्तों, यह हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नए चैप्टर की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे इस नए चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवीयता का अन्न। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने वाले हैं कि आगे इसका नाम 2 ध्रुवीयता ही क्यों पड़ा, 2 ध्रुवीयता क्यों है इसका नाम। तो सुनिए, सन 1945 के समय शीत युद्ध का आरंभ हो गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ही शीत युद्ध आरंभ हो गया। शीत युद्ध USA और USSR के बीच में चला, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चला, जिसके कारण इन दोनों के इसलिए चला क्योंकि विचारधाराओं के लेकर एक लड़ाई छिड़ गई दोनों के बीच में कि बीच में कौन सा विचारधारा श्रेष्ठ है, ऐसी कौन सी विचारधारा जो विश्व को सुदृढ़ करती है और बेहतर सिद्धांत देती है। इसके कारण इन दोनों में कुछ देश सम्मिलित हो गए और ये जो दोनों देश है ये संगठन का रूप लेने लगा, एक संगठित वो बन गया, जिसके कारण इसमें कई देश शामिल हुए और वे दो गुट बन गए। यानी कि ये जो गुट बन गए, इन्हीं गुट को 2 ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय विश्व में 2 गुट बट गए थे जिसमें बहुत सारे पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के देश शामिल हुए थे, इसलिए इसका नाम 2 ध्रुवीयता पड़ा। तो इसका अंत, तो इन दोनों में से सोवियत संघ का जैसे ही जानते हैं अंत हो गया। तो इसके बारे में पढ़ने वाले कि ऐसी कौन कौन सी कमियां रही, ऐसी कौन सी गलतियां थी सोवियत संघ में जिसके कारण उसका ह्रास हो गया यानी कि उसका अंत हो गया। तो आइए जानते हैं। तो एक टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी, जिसका सब टॉपिक है बर्लिन की दीवार। दोस्तों, जर्मनी में जो एक जर्मनी को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो दीवार है, उस दीवार को बर्लिन की दीवार कहते हैं। आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो सुन देखिए, विभाजन का प्रतीक। दोस्तों, बर्लिन की दीवार जो है ना, पूर्वी दुनिया तथा पश्चिमी दुनिया के बीच एक ऐसी दीवार है जो विभाजन की प्रतीक बनी, यानी कि जिसने विश्व उन दोनों विश्व को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में। जैसा कि आप मैप में देखिए, एक दीवार है और ये पूर्वी की साइड है और ये पश्चिम की साइड, इस दीवार ने दोनों को विभाजित कर रखा, यही दीवार बर्लिन की दीवार कहलाती है जो जर्मनी को 2 भागों में बांटती है। अगला है दोस्तों, ये जो बर्लिन की दीवार है इसका निर्माण हुआ था 1961 में, 1961 में दीवार को बनाया गया। ये दीवार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और 28 वर्षों तक चली, खड़ी रही वहां पे, यानी कि 1961 से बनाया गया और उसके 28 वर्षों तक ये दीवार झोपा तो ही रहा, इन दो बर्लिन की जो दीवार है विवादों का प्रतीक बना रहा 28 वर्षों तक। उसके बाद वहां के लोगों द्वारा क्रांति की जाती है, जिस क्रांति के बाद 9 नवंबर 1989 को इस बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, उन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता। और इसी टाइम पीरियड से आगे पीछे लगभग में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और विश्व में केवल एक मात्र शक्ति बचती है और वो है USA यानी कि अमेरिका। तो आगे देखते हैं। तो अगला है USSR, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि आखिर क्यों उसका ह्रास हुआ, क्यों इसका विनाश हो गया, क्यों ये विघटन हो गया। तो USSR दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लेना, समाजवादी सोवियत गणराज्य, एक नंबर में पूछा जाता है इसका। पहला है 1917 की समाजवादी क्रांति। दोस्तों, 1917 में सोवियत संघ में एक समाजवादी क्रांति होती है। इस क्रांति में सभी वर्ग सम्मिलित होते हैं, गरीब मजदूर अमीर सारे वर्ग सम्मिलित होते हैं और एक क्रांति करते हैं। इस क्रांति के बाद ही सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया। इस क्रांति के कुछ लक्ष्य है, कुछ सिद्धांत है, जैसे पूंजीवाद का विरोध, इस जो ये जो क्रांति है इसने पूंजीवाद का विरोध किया तथा साम्यवाद जो है उसका समर्थन किया और सरकार का स्वामित्व यानी कि राज्य पर सरकार के स्वामित्व की प्रेरणा दी और निजी व्यक्तियों के जो
पूंजी का एवं निजी व्यक्तियों का उसका विरोध किया। इस क्रांति यही क्रांति बना सोवियत संघ के उदय का कारण और 1917 में सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली पार्टी, दोस्तों सोवियत संघ में एक राजनीतिक प्रणाली पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ये एकमात्र ऐसी पार्टी थी सोवियत संघ में जो शासन करती थी, उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके अलावा किसी भी अन्य दल या किसी भी अन्य पार्टी संगठन के लिए इस सोवियत संघ में कोई भी स्थान नहीं था, वे अस्तित्व में आ ही नहीं पा रहे थे, केवल एक ही पार्टी शासन करती थी कम्युनिस्ट पार्टी। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य का नियंत्रण, दोस्तों सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था था योजनाबद्ध था और राज्य का नियंत्रण था, क्योंकि यह साम्यवाद था इसलिए जाहिर सी बात है राज्य का नियंत्रण होगा। और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी यानी कि अर्थव्यवस्था में जो भी योजना बनाई जाती थी और सरकार बनाती थी, सरकार अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए ये योजना बनाती थी। ये सारे फैसले लेने का अधिकार सरकार पे था कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कौन सा उत्पादन किया जाए, इन सभी चीजों का जो भी आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के तौर पर निर्णय लेने का अधिकार होता था वह सरकार के नियंत्रण में होता था। भूमि पे इन सभी चीजों पे जो प्राकृतिक रूप से जो सरकार के नियंत्रण में होती थी उस पर सरकार का नियंत्रण होता था, निजी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, केवल योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और इन सभी सभी चीजों पे राज्य का ही स्वामित्व होता था। राज्य अपने नागरिकों के बारे में सोचती थी। अगला है दूसरी दुनिया। दोस्तों यह वर्ष क्या आप सोच रहे होंगे दूसरी दुनिया क्या है, तो ये जो दूसरी दुनिया ना, जब सोवियत संघ ने जो पूर्वी संगठन है यानी कि सोवियत संघ में खेमे में जो भी देश शामिल है उसको पारसीवादी ताकतों से आजाद करवाया था, ये 1917 से पहले की बात है। जो भी पारसीवादी ताकत थे पारसीवादी ताकत उनसे आजाद करवाया था, और इस पूर्वी खेमे में जो भी देश सम्मिलित थे उन देशों के संगठन को दूसरी दुनिया कहा गया यानी कि सोवियत संघ कहा गया। तो ये तो दूसरी दुनिया की बात है। एक दुनिया होती है पहली दुनिया यानी कि जो पश्चिमी देश के देश थे, जो पश्चिमी मुल्क के देश थे वो अमेरिका में शामिल हुए जिन्हें पहली दुनिया कहा जाता है, और जो पूर्वी मुल्क के देश थे वे सोवियत संघ में शामिल हुए इसलिए उसे दूसरी दुनिया कहा जाता है। इन दोनों दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया होती है जिसे आप भलीभांति पढ़ चुके हैं जिसका नाम है नेम, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी सम्मिलित देश थे, जो भी नव स्वतंत्र देश थे, उन सभी नव स्वतंत्र देशों को तीसरी दुनिया की संज्ञा दी गई है। इन दोनों दुनिया से हटकर वे तीसरी दुनिया की संज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। तो आई होप, तो आइए दोस्तों अगला हमारा है सोवियत संघ की विशेषता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन लाने वाले हम सोवियत संघ की कमियां। इन दोनों क्वेश्चन में से अक्सर एक क्वेश्चन 6 नंबर या 4 नंबर में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला, उन्नत संचार प्रणाली और विशाल ऊर्जा संसाधन। दोस्तों सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत है, बहुत ही विशिष्ट है, एक ऐसी प्रणाली है जो बहुत ही सरल और बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा यहाँ जो भी कार्य होते थे बहुत ही आसानी से किया जाता था, क्योंकि ये जो प्रणाली है बहुत ही लाभदायक और सुव्यवस्थित थी। यह सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा संसाधन पाए जाते थे जैसे लोहा, खनिज, अयस्क और मशीनरी इत्यादि चीजें होती थी ना, बहुत ही अधिक मात्रा में होती थी और बहुत अच्छे किस्म के पाए जाते थे। ये दोनों चीजें इसे एक विशिष्ट सोवियत संघ प्रणाली बनाती थी, एक मजबूती, एक रीढ़ की हड्डी प्रदान करती थी जिससे यह अपने अर्थव्यवस्था में ग्रो कर पाते थे, अपने अर्थव्यवस्था को एक पुश दे पाते थे और अच्छे से कार्य कर पाते थे जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी और सोवियत संघ ऐसी बात है मजबूत होगा आर्थिक रूप से। दूसरा, सुव्यवस्थित आवागमन का स्रोत हो। दोस्तों सोवियत संघ एक विशाल क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे सुव्यवस्थित आवागमन सुविधा मौजूद था, एक ऐसी सुविधा जिससे किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होती थी, बहुत ही आसान था और ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत लाभदायक होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप किसी भी चीज को यानी कि मान लीजिए उद्योग से रिलेटेड है कोई भी माल यहाँ से वहां ले जाना हो तो बहुत ही कम समय में और सुव्यवस्थित तरीके से आप ले जा सकते हैं, तो ये आपके देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए सोवियत संघ ने ये व्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि उसके
इकोनॉमी को मजबूत करने का कार्य कर रहा था, जिससे सोवियत संघ बहुत ही अच्छे से अपना ग्रोथ कर पा रहा था। उन्नत घरेलू उद्योग, दोस्तों सोवियत संघ की जो घरेलू उद्योग की बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही श्रेष्ठ थी, क्योंकि सोवियत संघ में उन सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हो। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो सोवियत संघ में एक छोटी सी पिन से लेकर कार तक का उत्पादन होता था। सभी चीजों का जो उत्पादन होता था सोवियत संघ के अंदर ही होता था, वो बाहर से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे। दोस्तों ये जो सोवियत संघ की बातें थी, और लेकिन इनकी जो गुणवत्ता होती थी, इनकी जो क्वालिटी होती थी, वो पश्चिमी देशों के मुल्कों के अपेक्षा बहुत ही कम होती थी, बहुत ही निम्न कोटि की होती थी। ये तो अन्य देशों जो शेष देश है उनसे बहुत अच्छी होती थी, परंतु जो पश्चिमी देश है, अमेरिका में जो सम्मिलित देश है, उनसे थोड़ी कम होती थी, इसलिए थोड़ा सा ये पूंजी वाले देशों से इसमें पिछड़ा हुआ था। और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, सोवियत संघ की सरकार ने दोस्तों उनके नागरिकों की इच्छा को देखते हुए उन्हें वे सारी सुविधा प्रदान कर रखा था जो जो वहां की जनता अपेक्षा करती है अपने सरकार से, उन सभी सेवाओं को उन्होंने पूरा कर रखा था। जैसे न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था, यानी कि सोवियत संघ में हर वो चीज उपलब्ध था जो नागरिक को चाहिए था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए अच्छे हो स्कूल वगैरह, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल, वृद्धशाला, उसके बाद अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय, इन सभी चीजों की व्यवस्था की गई थी। इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल किया जा रहा था, इसलिए वहाँ की सरकार ने न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था, और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो था ना बहुत ही उच्च कोटि का, निम्न नहीं था, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का था, और वे अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर रहे थे। बेरोजगारी का न होना, दोस्तों सोवियत संघ में जो है बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ना के बराबर था, लगभग पूरे सारे लोग रोजगार प्राप्त कर चुके थे, यानी कि जो काम करने के इच्छुक और काम करने के लायक उन सभी व्यक्तियों को वहां पे रोजगार मिल रहा था, रोजगार के अवसर खूब सारे उपलब्ध थे, यानी कि वहां पे बेरोजगारी की कमी थी, जिससे लोग अपने अच्छे से, अगर रोजगार है तो अपने से अच्छे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड यानी कि उच्च लेवल में उच्च कोटि का जीवन निर्वाह कर रहे थे और सब खुश थे। उसके बाद छठा, मिल्कियत पर राज्य का स्वामित्व। दोस्तों सोवियत संघ में मिल्कियत पर राज्य का स्वामित्व होता था, यानी कि वे सारे फैसले जो एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती थी और जो सरकार को लेने चाहिए थे वो राज्य लेते थे। इसके अपेक्षा अमेरिका में देखे तो वो सारे जो फैसले होते थे वो निजी व्यक्ति लेते थे, क्योंकि पूंजीवादी देश थे, लेकिन ये साम्यवादी होने के कारण यहाँ पे जो भी फैसला लेना होता था वो सरकार के हाथ में, सरकार के नियंत्रण में था, यानी कि भूमि, प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में था, निजी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ये हमारा लैंड है तो ये हमारा नहीं, सरकार का नियंत्रण होगा उस लैंड पे, सभी चीजों का अधिकार जो होता था वो सरकार के नियंत्रण में होता था। तो दोस्तों आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।